राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी के सातों उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया है। कल अरविंद सिंह का टिकट अंतिम वक्त में काट दिया था। उस सीट से बीएसपी समाजवादी पार्टी में आए सुरेंद्र सिंह नागर को उम्मीदवार बनाया गया है। समाजवादी पार्टी के 6 उम्मीदवार तो आराम से जीत जाएंगे, लेकिन 7वें उम्मीदवार यानी सुरेंद्र नागर को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। अमर सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा, रेवती रमन सिंह, सुखराम सिंह यादव, विशंबर निषाद, संजय सेठ ने नामांकन भरा है, लेकिन आखिरी वक्त में सुरेंद्र सिंह नागर को टिकट दिया गया है। बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे। हमारे साथ एबीपी न्यूज़ संवाददाता पंकज झा जुड़ गए हैं। पंकज, टिकट कटकर सुरेंद्र नागर को टिकट देने के पीछे क्या समीकरण? देखिए, सुरेंद्र सिंह नागर अभी जो 7 राज्यसभा के जो टिकट दिए गए थे इससे पहले, जिसमें अमर सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा और एवी रमन सिंह, इन सब नेताओं का नाम शामिल था, उसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश की उसमें भागीदारी नहीं हो पा रही थी। अरविंद सिंह भी गाजीपुर के हैं और विधानसभा सांसद भी हैं, तो उनकी जगह आखिरी वक्त पर मुलायम परिवार के सभी लोगों ने आपस में बैठक की, मुलायम सिंह सिपाल यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, और अंत में जाकर के सुरेंद्र सिंह नागर के नाम पर सहमति बनी। सुरेंद्र सिंह नागर नोएडा में एमपी भी थे बीएसपी के, और बाद में समाजवादी पार्टी में चले गए थे, पारस कंपनी के मालिक हैं, कारोबारी भी हैं, तो उनको आखिरी वक्त पर उनको टिकट दिया गया और आज उन्होंने नामांकन भी भरा।